तो स्टूडेंट जैसे प्रॉमिस किया था मैंने फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल लेके आए हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसको फिर से। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, सिंपल वे में इसको फैक्टराइज कर लो। अब इसको ध्यान देना होगा कि इसका कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, इसका कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, टू है। तो इसके सारे फैक्टर क्या होंगे वो ध्यान से देखना होगा। ऑल फैक्टर फैक्टर आर टू, क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस वन और प्लस माइनस टू, यही दो फैक्टर होंगे मैक्सिमम, इसके और कुछ नहीं हो सकते हैं। क्लियर, टू का फैक्टर वन होगा या तो टू होगा, वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटीजर में। क्लियर, तो हम अप्लाई करते हैं लेट एक्स इक्वल टू वन, पॉजिटिव वन लेते हैं और देखते हैं कि क्या ये ऐसा हो सकता है कि ये अगर इसको इसमें पुट किया जाए तो क्या इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। अगर जीरो हो जाएगी तो हम कह देंगे कि ये इसका एक फैक्टर है। तो एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, अब आप इसमें वैल्यू रख दीजिए किसकी, एक्स की, क्या आएगी, वन का क्यूब माइनस टू इंटू वन का स्क्वायर माइनस वन प्लस टू। क्लियर, वन का क्यूब वन होता है, माइनस टू माइनस वन प्लस टू। अब आप देख रहे होंगे कि टू प्लस वन थ्री और माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री दोनों क्या हो गए, जीरो हो गए। अगर जीरो हो गए इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स माइनस वन इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स, दैट इज एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, इसका फैक्टर हो गया। अगर ये फैक्टर है तो एक तरीका है कि आप जो एक फैक्टर आ गया इस फैक्टर से इसको डिवाइड कर दें। अगर इसको डिवाइड कर दें और रिमाइंडर जीरो आ जाएगा तो जो कोशेंट आएगा वो क्या आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, फिर उसको फैक्टराइज कर लेंगे। तो आपको पता है कि जितने क्यूबिक पॉलिनोमियल है जितनी डिग्री उतने सॉल्यूशन, एक फैक्टर ऑलरेडी इसके आ गए, कम से कम दो फैक्टर और निकालने के लिए पहले इसको हमें डिवाइड करना होगा। देन आर डिवाइडिंग पी एक्स बाई एक्स माइनस वन से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो करेंगे डिवाइड तो क्या होगा बेटा, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू को डिवाइड किससे करना है, एक्स माइनस वन से। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन प्लस साइन कैंसिल हो गया, माइनस टू प्लस वन क्या आ जाएगा, माइनस वन, यानी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू बच गया। अब मुझे माइनस एक्स स्क्वायर लाना है, यहां पर एक्स है तो क्या मल्टीप्लाई किया जाए, माइनस एक्स, माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस एक्स, हाँ क्लियर। साइन चेंज करो, फिर साइन चेंज करो तो ये कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर दोनों एक माइनस है। अब ये साइन आपको बिल्कुल नहीं ध्यान रखना है, जो साइन चेंज हो जाता है ये प्लस है और ये माइनस है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया तो क्या हो गया, माइनस टू एक्स प्लस टू, अभी क्या ले जाना है, माइनस टू, तो माइनस टू ले जाएंगे तो माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू एक्स, माइनस और माइनस प्लस और टू बन जा टू, ये हो गया। साइन चेंज करो इसमें बेटा, देखो सारे के सारे कैंसिल हो गए और रिमाइंडर हमारा क्या बच गया, जीरो। एक फैक्टर ये ऑलरेडी था, बाकी के दो फैक्टर हमारे इससे आ जाएंगे। क्लियर, तो फैक्टराइज
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू फॉर अदर टू जीरोस, फैक्टराइज करिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू को फैक्टराइज अगर किया जाएगा तो यहां देखो कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर वन है, जिसका कुछ नहीं उसका वन होता है, वन इंटू टू क्या आ जाएगा टू, और टू का ऐसा दो फैक्टर करो, टू के साथ साइन क्या है माइनस का, ऐसा दो फैक्टर करो जिसका डिफरेंस क्या आ जाए, एक्स का कॉफिशियंट वन है वन आ जाए, यानी कि टू वन जा टू, और वन को क्या लिख सकते हैं टू माइनस वन, ठीक है। देखिए यहां एक्स स्क्वायर माइनस टू माइनस वन एक्स माइनस टू, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू, यहां दोनों में कॉमन क्या है एक्स, क्या बचा एक्स माइनस टू, इन दोनों में क्या कॉमन है प्लस वन, क्या बचा एक्स माइनस टू, तो हमारे और सारे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे बेटा, समझ रहे होंगे आप क्या, एक्स माइनस टू और एक्स प्लस वन, ये दो फैक्टर होंगे। आल फैक्टर क्या क्या होंगे, पहले एक फैक्टर आज ऑलरेडी आ चुका है, क्या एक्स माइनस वन आ चुका था, एक्स माइनस टू आ गया और एक्स प्लस टू आ गया। अब आपको अगर देखना है कि मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं करेक्ट है तो इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, जितना ये पी एक्स दिया है, ये पी एक्स अगर आ जाता है तो आप ये जान लो कि मेरा आंसर करेक्ट है। क्लियर हो, आपको समझ में आया होगा, कुछ और इसको तरीके से कराएंगे जिसमें डिवाइड नहीं करना होगा, केवल फैक्टर से ही हम निकाल लेंगे, उसको अभी हम करा के देते हैं, ठीक है ओके।